शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 210 केंद्रों पर कुल 20,243 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,514 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,629 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि महिला पुरुष जिला अस्पताल, एम्स, मेडिकल कॉलेज, नगर निगम तथा CHC PHC सहित कुल 210 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अब तक जनपद में 34,55,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के वैक्सीनेशन का डोज लगाया जा चुका है, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 24 लाख तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 10,56,000 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना का टीका सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाना जरूरी है, क्योंकि टीका लगवाने के बाद डिलीवरी के समय जच्चा बच्चा दोनों ही कोविड से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोविड वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 152 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें BRD मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमारे दोनों जिला अस्पताल पुरुष महिला, हमारे CHC PHC पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने जनपद में 34,55,000 से ज़्यादा का डोज लगा चुके हैं, उसमें से 24 लाख फर्स्ट डोज है और 10,56,000 सेकेंड डोज है। सर, इस टीके से क्या गर्भवती महिला सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, टीका बिल्कुल ही सुरक्षित है और बहुत ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण करना, जो क्योंकि उनको डिलीवरी होनी है, अस्पताल में जाना है, तो वो पहले से सुरक्षित हो जाए और उनकी जब वो सुरक्षित हो जाएंगे तो बच्चा जो गर्भ में है वो खुद इम्यूनाइज हो जाता, स्वतः इम्यूनाइज हो जाएगा और वो भी कोविड से सुरक्षित हो जाएगा। तो हमारी सबसे अपील है कि गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग महिलाएं जो दूध पिला रही हैं बच्चे को, ये दोनों ग्रुप जो है ज़रूर टीकाकरण कराएं, जिससे आप स्वतः, माँ स्वतः और बच्चा दोनों लोग सुरक्षित हो जाएंगे कोविड से।